हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। टीके ट्यूब टेलीविज़न में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो लाइक भी करें। मेरा पुराना माउस था जो गिर गिर का ख़राब हो गया, मैंने सोचा क्यों ना एक नया माउस ख़रीद लिया जाए। इसलिए मैंने एक नया माउस ख़रीदने की सोची। मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था जो मुझे आज मिल गया है सुबह ही, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसका रिव्यू आपके सामने कर दूँ। मेरे को एक सस्ता सा अमेजोन पे माउस मिला जो टैग गेमिंग माउस के नाम से था, तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया। ये मुझे कुछ 300 रुपये के आसपास का पड़ा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको परचेज़ करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर परचेज़ कर लें। मुझे इसकी केबल्स वगैरह बहुत अच्छी लगी, बहुत सॉफ्ट है एंड मजबूत है। मेरा ये पुराना गेमिंग माउस जो बेचारा गिर गिर के ख़राब हुआ, चल तो रहा है लेकिन पूरा टूट गया है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखा दूं। एक ऐसा माउस है, इसमें मल्टी कलर हैं, शायद इसमें 6-7 कलर हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, इसमें अपनी मर्जी से कलर चॉइस नहीं कर सकते, ये अपने आप कलर चेंज करता रहता है। ये मेरी एलईडी टीवी और मेरा पीसी एक ही है, इसी में मैं टीवी का भी जुगाड़ है, इसी में यही पीसी है। तो मैं इसको चला के देख रहा था, मस्त चल रहा है, लेकिन मेरे पास माउस पैड नहीं है इसलिए मैं ठीक से आपको दिखा नहीं पा रहा चला के। इसमें डीपीआई सेट करने के लिए 5 बार क्लिक का ऑप्शन दे रखा है, जो हाई स्पीड नॉर्मल करने के लिए है। इसमें 1600 DPI तक सेट कर सकते हैं, 1600 DPI, और बाकी आप देख ही रहे हो। बाकी आप खुद इसको मंगा कर परचेज करके आप चेक कर सकते हैं कैसा माउस है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ओनली 300 रुपये का है। ये DPI सेट करने के लिए, ये मेरा छोटा दोस्त चेक कर रहा है माउस को बटन दबा दबा के। जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अरे बस बंद भी कर दो वीडियो, आज सारी वीडियो आज ही बना लोगे।